नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक और मैं लोकेश पुष्कर। तस्वीरों को देखें, तस्वीरों में दिख रहा यह व्यक्ति प्रफुल्ल कुमार सिंह है, जो कि फूल सिंह के तौर पर जाना जाता है। यह मुंबई के भाजपा मुंबई के बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। खास तौर पर यह बिहार के गरीब तबके के लोगों की आवाज़ बनते हैं, जो लोग मुंबई में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो मजदूर तबका, वो लोग जो कि आज भी झोपड़पट्टी में रहने को विवश है, जो वहाँ मुंबई में रहकर किसी प्रकार का मजदूरी करता है और अपना जीवन यापन करता है। ऐसे में आज लॉकडाउन की परिस्थिति में लोगों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। वो लोग जो कि मुंबई में किसी प्रकार से अपने जीवन को चला रहे हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ बनकर आज प्रफुल्ल कुमार सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ मांगे रखी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक जिस प्रकार की घोषणा की थी, जिसके तहत लोगों को 1000 रुपये, मतलब बिहार से बाहर रह रहे लोगों को 1000 रुपये और राशन उपलब्ध कराया जाएगा, इस घोषणा को बस एक तरीके का एक फेक घोषणा बताया जा रहा है। प्रफुल्ल जी ने कहा कि ये घोषणा सिर्फ एक घोषणा है, उसके आगे कार्य धरातल पर होता नज़र नहीं आ रहा। अभी तक किसी भी प्रकार से लोगों तक यह मदद नहीं पहुँच रही है। हाँ, कुछ एक आध लोग हैं जिनके पास यह मदद पहुंची है, पर वह गरीब तबका जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, जो कि स्मार्टफोन यूज़ नहीं करता है, ऐसे लोगों तक यह धनराशि कैसे पहुंच पाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या कुछ मांगे रखी है, साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ चेतावनी दी है। यह वीडियो मैं आपको बताऊँ, बिहार के ही मुजफ्फरपुर प्रदेश के रहने वाले समाजसेवी सौरभ सुमन एवं रणधीर सिंह ने बिहार दस्तक तक साझा किया, और यह वीडियो यह बताता है कि यदि सरकार, बिहार सरकार गरीबों की आवाज़ नहीं सुनती है, गरीबों को अनदेखा करती है एवं गरीबों की मदद के लिए आगे नहीं आती है, तो ऐसे में लोग अब काफ़ी आक्रोशित हो चुके हैं। लोग जो कि अब दयनीय से भी ज़्यादा गंभीर परिस्थिति में आ गए हैं, वो लोग अब किसी बड़े प्रकार की, मतलब किसी प्रकार की कोई बड़े कदम को उठाने के लिए वो मजबूर हैं। आइए जानते हैं प्रफुल्ल कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। प्रणाम, मैं आपका फूल सिंह। दोस्तों, एक बात कहनी है, अपने ही पार्टी के नेताओं से एक प्रश्न पूछना है। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मुंबई बिहार प्रकोष्ठ का मुंबई अध्यक्ष हूं, इस नाते हमको ये हक है कि हम अपने नेता से कुछ प्रश्न पूछें। और मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी से, कि जब बिहार में बाढ़ आता है तो हम जैसे कार्यकर्ता यहां गली गली में जाके, झुग्गी झोपड़ी में जाके 100 रुपये का चेक, 200 रुपये के चेक भारतीय जनता पार्टी के आपदा प्रबंधन के लिए इकट्ठा करके आपको देते हैं और आपको बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, आप क्या कर रहे हैं यहां के बिहारियों के लिए? नीतीश जी रोज आते हैं टेलीविजन पर और कहते हैं कि मैंने 10 करोड़ रुपया बिहार फाउंडेशन को दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर 10 करोड़ रुपया बिहार फाउंडेशन को दिया और 1000 रुपये अगर एक आदमी को मिलने हैं, तो कम से कम 1 लाख आदमी को मिलना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं कि 5000 आदमियों के नाम मिल जाए मुझे, जिसके खाते में आपने मुंबई में जमा किए। बिहार फाउंडेशन, वाह रे वाह, आपने क्या किया? राशन बांट रहे हैं, ठेकेदारों को राशन दे रहे हैं, गरीब बिहारी आज तड़प रहे हैं। सुशील मोदी जी, याद रखिएगा, ये चुनाव में जिस तरह से आप आते हैं ना, बताइए ना, सबसे ज्यादा बिहारी कहां रहता है, किस गली में रहता है, किस झोपड़पट्टी में रहता है, और जाते हैं बहलाने फुसलाने लोग। हमको पूरे दिन में सैकड़ों फोन आते हैं उन गरीब बिहारियों का, जिसके पास मैं
वोट मांगने जाता था आप लोगों के लिए, फिर अभी बिहार में चुनाव आएगा ना, फिर आप लोग भागेंगे मुंबई की तरफ, दिल्ली की तरफ, पंजाब की तरफ, वोट दे दो, वोट दे दो। खैरात समझ के रखे हैं आप। नीतीश जी, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। आप अगर बहुत अच्छा काम किए रहते हैं, और हमारे सुशील मोदी जी बहुत अच्छा काम किए रहते हैं, तो आज नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है ना कि बिहार सबसे निचले स्तर पे है विकास के रूप में, कहां गया विकास, कौन सा विकास? सुशील मोदी जी, आपके कारण हमारे आदरणीय पंत प्रधान युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी की छवि भी धूमिल हो रही है, आप जैसे नेताओं के कारण। क्या करेंगे अकेले वो? आपने जो नंबर दिया है बिहार फाउंडेशन का 8444884584, आपने पता किया कि कितने लोग फोन रिसीव करते हैं? रोज मुंबई से लगभग 500 लोग फोन करते हैं और पूछे कितने फोन रिसीव होते हैं। आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है 9431075530, उठाते हैं फोन, लैंडलाइन 6122217894, क्या जवाब देता है लोग वहां से? आप मांगते हैं उसका आधार कार्ड, आप पूछते हैं कि बिहार में किस जिले के किस गांव के रहने वाले हो, ताकि आपके पास डाटा बने और आप वोट मांगने उसके पास पहुंच जाए। ये गंदी राजनीति सुशील मोदी जी आप छोड़ दीजिए। मैं भले पार्टी का हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहा तो मेरा जमीर मुझे माफ नहीं करेगा। मैं कलाकार हूं, संवेदनशील लोग हूं, आप जैसे संवेदनहीन लोग नहीं हो। मैं चेता रहा हूं आप लोगों को, ठीक से मेरी बात समझ लीजिए। मैं सड़क पर भी उतर सकता हूं अपने उस गरीब बिहारियों के लिए जो तड़प रहा है भूख से, और आप रोज वादे कर रहे हैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। सिर्फ टेलीविजन पे आके मत कीजिए। और आपके जो कार्यपालिका वाले लोग हैं ना, उनको भी समझाइए, हालांकि वो तो बेचारे मजबूर हैं, वो क्या करेंगे। देखिए, बहुत कष्ट में है बिहारी सुशील मोदी जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी बिहार पटना में बैठे हुए वहां के अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, वहां के संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री, सबको मैं ये कहता हूं कि जैसे चुनाव आता है ना, तो आप लोगों को पूरा मुंबई याद आता है, जत्था के जत्था आते हैं। और आज विपदा आई है तो कोई बोलने वाला नहीं है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे। जब मुझे चाहिए होता ना, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। लेकिन याद रखिए कि ऊपर जाके भी जवाब देना पड़ेगा। सुशील मोदी जी, नाश कर दिया बिहार को आपने, बर्बाद कर दिया आपने। मेरी बात बुरी लगे तो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है फूल सिंह को। 3 दिन का अल्टीमेटम देता हूं आपको, मैं भेज रहा हूं ये वीडियो भी आपके व्हाट्सएप पर ही भेज रहा हूं सुशील मोदी जी। 3 महीने 3 दिन के अंदर आपने अगर यहां जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो आपके वोटर हैं, बिहार के रहने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो 2-3 महीना काम करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, फिर वापस घर चले जाते हैं, वो लोग फंसे हुए हैं, एक बार जब यहां से गुब्बार निकलेगा ना, तो उस आंधी में आप भी उड़ जाइएगा। इसलिए अभी मैं आपको चेता रहा हूं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपको चेता रहा हूं, संभल जाइए। बहुत बेवकूफ बनाया आपने, अब आपको बेवकूफ बनाने नहीं देंगे। बस गुस्सा हमको भी आता है, कभी निकले हैं बाढ़ में, याद है ना, हाफ पैंट पहन के खड़े थे आप। समझते हैं प्राकृतिक आपदा किसको कहती है? आपदा आपको तो अच्छे तरह से याद होना चाहिए। अभी आपको क्या, तो एसी में होंगे आराम से बैठे हुए। ये हमारे बिहारी झुग्गी झोपड़ी में मर रहे हैं भूख से, सतर्क हो जाएंगे आप। नीतीश जी, आपने जो योजनाएं की है ना,
उसका मूल्यांकन कीजिए। आप पूछिए अपने अफसरों से कि कितने लोगों के खाते में पैसे गए, खाली बोल देने से नहीं होता है। कितने लोगों के घर में राशन गए, ये पूछना आपका काम है। वरना एक बिहारी होने के नाते मैं अगर सड़क पे उतर के पूछना शुरू करूंगा ना, तो आपके और सुशील मोदी जी के ही फजीहत होगी, जो मैं नहीं चाहता हूं। और मैं इस 3 दिन के बाद मरना जिस दिन होगा उस दिन मरना ही पड़ेगा, चाहे कोई हो। हम जैसे लोग उन गरीबों का दर्द नहीं देख सकते हैं। हमने देखा है, सुना है, कराहते हुए देखा है। किसको बोलो, बहरे हो गए हैं आप। याद रखिए, 3 दिन, 3 दिन के बाद मेरी क्रांति को आप भी नहीं रोक पाएंगे। प्रणाम प्रणाम।